दोस्तों VLC प्लेयर पूरी दुनिया भर में कितना ज़्यादा पॉपुलर है वो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि VLC प्लेयर अब यूज़ करना ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने ठीक सुना। जिन लोगों को पता नहीं होगा कि VLC प्लेयर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि VLC प्लेयर एक मीडिया प्लेयर है जिसकी मदद से हम वीडियो को प्ले करते हैं, ऑडियो को प्ले करते हैं। और अभी भी बहुत सारे लोग के कंप्यूटर्स में या लैपटॉप में VLC प्लेयर इंस्टॉल होंगे और यूज़ भी कर रहे होंगे। और आपको बता दें कि VLC प्लेयर को खास इसलिए बनाती है क्योंकि ये टोटली फ्री है और इसी वजह से लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन शायद वो लोग नहीं जानते होंगे कि VLC प्लेयर कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हाल ही में खबर सामने आई है कि VLC प्लेयर के माध्यम से हैकर्स जो है वो हम पे स्पाई कर रहे हैं। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना। सिमेंटेक साइबर सिक्योरिटी यूनिट के एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी साइबर क्रिमिनल ग्रुप सिकैडा वायरस को फैलाने के लिए VLC प्लेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि सिकैडा सरकारी और अन्य कंपनियों की जासूसी करने के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कंप्यूटर और लैपटॉप में VLC मीडिया प्लेयर के जरिए मैलवेयर को फैलाया जा रहा है। अगर आप नहीं जानते हैं कि मैलवेयर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मैलवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो मैलवेयर हम वायरस को कहते हैं, लेकिन वायरस भी बहुत तरह के होते हैं। अगर आप मैलवेयर के बारे में यानी वायरस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक जरूर करें। मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें, क्योंकि मैलवेयर कोई आम चीज नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक चीज है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के हिसाब से कई देश इस मैलवेयर अटैक का सामना कर रहे हैं, जिनमें कनाडा, अमेरिका, टर्की, हांगकांग, इजराइल, इटली और भारत के नाम भी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि VLC प्लेयर से कैसे जासूसी की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये हैकिंग ग्रुप मीडिया प्लेयर प्लेटफॉर्म के क्लीन वर्जन को कैप्चर करके इसमें मीडिया प्लेयर एक्सपोर्ट फंक्शन की मदद से वायरस वाली फाइल को डाल देते हैं। जब एक बार सॉफ्टवेयर में मैलवेयर चला जाता है तो फिर सिकाडा सिस्टम का पूरा कंट्रोल VNC रिमोट एक्सेस के जरिए ले लेते हैं। ओवरऑल आपके कंप्यूटर में जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है, यानी इससे ज्यादा चांसेस है कि आपके बैंक अकाउंट हैक हो सकते हैं, यानी आपके अकाउंट से पैसे उड़ाए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से पैसे ना उड़ाए जाए, तो इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, हैकर्स लोग क्या क्या दिमाग लगाते हैं बैंक अकाउंट हैक करने के लिए, लोग क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका अकाउंट हैक होता है, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप वायरस वाली वीडियो यानी मैलवेयर वाली वीडियो और ATM फ्रॉड से कैसे बचें, उन दोनों वीडियोस को जाके जरूर देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अब तक पहुंच सके। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। खैर, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।